मुझे लगता है माँ गहरी नींद में है। माँ सुबह हो गई, उठ जाओ। अरे उठ तो गई बेटा, बता। माँ मैं चाय लेकर आता हूँ, तुम दवाई ले लो। लो बेटा शर्म दुगला, हे भगवान, इसका अच्छा तो था ही नहीं। किस जन्म का बदला ले ले रहा आओ। माँ क्या तुम भगवान की बात कर रही हो? उससे तो बात ही करना बेकार है। अगर भगवान होता तो हमारी आज ये हालत न होती। माँ चुप हो जा, चुप हो जा। भगवान यहाँ सब कुछ है, जो कुछ मैं नहीं मानता किसी भगवान को। अरे पागल क्या कह रहा है, भगवान है जो कुछ है। अगर भगवान होता तो आज ये तेरी हालत न होती। आज ये जो दुख देख रहे हैं ना, ये दुख देखने के पड़ते हैं। जो तुम इतनी बार खांसते हो ये भगवान को दिखता नहीं है। कहाँ है भगवान, दिखाओ मुझे। बेटे सबके अंदर है भगवान, सबके अंदर होता है भगवान। उसके घर देर है अंधेर नहीं है, सबके हृदय में बसता है। सबके हृदय में बसता है। मैं तो सिर्फ एक भगवान को मानता हूँ, वो है मेरे भीम जी। अगर मेरे भीम जी न होते तो हमें खाद लौटने के लिए नसीब न होती। आज जो है हमें शिक्षा मिली है ये भी भीम की वजह से मिली है, और जो इज्जत मिली है उसमें भी। मैं तो भीम का हूँ और भीम का ही रहूंगा। मेरे मन में भीम और मेरे तन में भीम, मेरे कण कण में भीम। और मैं क्या बात बताऊँ भीम की, माँ वो मेरे सब कुछ है और मैं इनका हूँ। माँ मैं काम पे जा रहा हूँ, टिंकू साफ करवा देना। अच्छी तरह से डाल देख जाइए। चाचा मैं एक बार खाना खाना बोल सकूं, पर भीम की कहानी सुने बगैर नहीं रह सकता। मैं काम पे जा रहा हूँ, महीने का आखिरी दिन है। कोई बात नहीं बेटा, तुम कहानी आगे सुने ना, ठीक है। टैक्सी से पैसे लेकर माँ की दवाई लेने जानी है। आज शाम को मिलता हूँ चाचा जी। ठीक है कोई बात ना, शाम को वहीं मिलना बैठक पर, ठीक है। आ जा तू, वो भी तेरी फुर्सत। सेठ जी मैं, सेठ जी माँ को दवाई देने में टाइम लग गया। मैंने कहा तुम्हारी माँ का ठेका ले रखा है, मुझे अपने काम से मतलब है। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। सेठ जी गलती हो गई यार,
हमेशा ऐसा नहीं होने का। चलो ठीक है लगता काम पे। ये मेरे घर में कुछ काम नहीं चलता। अच्छा ठीक है। और हाँ मैं थोड़ा लेट आऊंगा टीए को स्कूल से लेकर आना। ठीक है सेठ जी मैं ले आऊंगा। सेठ जी वो पैसे कहते थे आज पैसे की भगे जा रहे हैं क्या मैं कल पैसे। चलो चाचा के यहाँ चलता हूँ थोड़ी सी कहानी सुन के आता हूँ। जय भीम बेटा बैठो। तो चाचा जी वो देखो शुरू। तो तुम सुनने के लिए तैयार हो? हाँ चाचा जी सुनने के लिए तैयार हूँ। एक वक्त ऐसा था जब हमारे पास में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। एक बार ऐसा हुआ एक बूढ़े व्यक्ति को प्यास लगी। क्या हुआ? बहुत प्यास लगी है। बस थोड़ी दूर आओ। बस थोड़ी दूर आओ। हाँ चलो हिम्मत करो। अरे को ना चल पाई हो। अच्छा एक काम करो चलो आ साइड बैठो आओ। तारी धीरे से रहो। प्यास लगी है बचवा। हाँ यहाँ साइड बैठो बैठो पहले आराम से आराम से बाबा आराम से तनी ऊपर खसको यूं निकाल दो। प्यास लगी प्यास लगी बचवा बहुत प्यास लगी। आम तोरे ले पानी लाई थे आम तोरे ले पानी लाई थे। तुम ये रहो हम अब आएंगे अब ही आएंगे है ना बाबा हम अब आए थे। दिखाई नहीं पड़ा कि सामने तालाब है। मालिक मालिक तू ही घुट पानी देता मालिक तू ही घुट। अरे तुम्हारी मती मारी गई है का तुमका पता नहीं ये तालाब हमारे पुरखन का है। एक बूंद पानी तुमका नहीं मिली है यहाँ से। हम जानी थे मालिक हम जानी थे कि हम अभागा आ चू हम कैसे छू सके थे यू। हमारे बापा बहुत पैसा है तड़प रहा है मालिक तू ही घुट पानी देते मालिक थोड़ा सा पानी दे तुम्हारी पानी चाहिए तुमका ले पानी। Bye.
पानी ले आए बाबा, ले पी ले, देख पानी ले आए ना, ले पी ले बाबा। ना, क्यों ना हम शाम के पूर्वक चौदार तालाब चले और पानी पिए जो हमारा कानूनन हक है। चलो चौदार तालाब।
हाथ में लाठियां हैं और वो हमारे लोगों को बेरहमी से पीट रहे हैं। भगदड़ मची है, कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब, आप उन्हें रोकिए। कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहां हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे, जहां ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें यह विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। जिस भगवान के लोग मानते हैं वो उस वक्त कहाँ थे? जिस वक्त हम पर अत्याचार हो रहे थे उस वक्त ये भगवान कहाँ सो रहे थे? अरे कौन समझाए इन लोगों को, असली भगवान वे हैं या कोई और? कल बाबा साहब की जयंती है चाचा जी, कल आप मुझे बताया ना? हाँ मुझे याद है, कल बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे और बच्चों को इकट्ठा करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। जैसे तुम्हारी इच्छा बेटा, ऐसा कर लेना। अरे जोनी आ जा बैठ, मैं तेरी किताब से देख। अरे यार मैं तो पढ़ लिख सका पर पन्ना तो पढ़ लिख के भी खो दिया। अरे क्या हो गया तू, रद्दी तो है। क्या तू सर रद्दी कह रहा? जिस आज तू रद्दी कह रहा है ना, उस रद्दी से ही आज हमारा देश चल रहा है। अरे सरकार की किताब में दिखी तुझे, ये बेच रहा। अरे ऐसा क्या कर दिया अमन ने? क्या यार ये पूछ क्या नहीं कर दिया? तो क्या हो गया, भगवान की किताब थोड़ी ना है यू? वाह वाह मेरे भाई, क्या खूब कहा तू, भगवान थोड़ा ही है। वाह ये भगवान थोड़ा ही है जिसकी वजह से कपड़े पहन रहा है, ये भगवान थोड़ा ही है जिसकी वजह से हर चीज में बड़ा बड़ा भगवान मिलता है, जिसकी वजह से आज तू स्कूल ना पढ़ सकता है, जिसकी वजह से आज सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है, जिसकी वजह से हमारे लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिलता है, भगवान थोड़ा ही है वे, जिसकी वजह से हमारे लोग आज बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, भगवान थोड़ा ही है वे। हाँ वो बात अलग थी जो ना ही भैंस के बाल काटना पसंद करता था पर हमारे नहीं। हाँ वो बात अलग है, जिस भगवान की तू पूजा करता है ना, हमें उसके मंदिर में भी घुसने नहीं दिया जाता था। हाँ वो बात अलग है, आज तू जिन किताबों को बेच रहा है ना, कि उन्हें छूने का भी अधिकार नहीं था, जिसे तो भगवान कहता है ना, जब हमारी माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था ना, तब कहाँ आते तेरे भगवान, जब एक बच्चे के मुंह से ओम नमः शिवाय निकलने से उसकी जीभ काट दी जाती थी, तब कहाँ आते तेरे भगवान। मुझे माफ कर दे यार, आज मैं ऐसे बहुत बड़ी गलती की, तुमने समय रहते मेरी आँख खोल दी, और बाकी आज तो तुमने मेरी फसल उखाड़ के पट दिया और मुझे मेरे असली भगवान से मिला दे यार, मेरी समझ में नहीं यार, मैं तेरा कहते धन्यवाद। और सुना था कैसी? बस ऐसी है, दवाई चल रही। अरे यार मैं तो तेरी जयंती में कहना है, बात जो कर रहे हैं आज बाबा साहब की जयंती है ना, चाचा सुनील ने यहाँ प्रोग्राम कर रखा है आज शाम को आ जाइए। ठीक है भाई मैं जरूर आऊंगा, जो ने चाय पानी लो। बच्चों कहाँ जा रहे? कहीं नहीं, हम तो घर जा रहे।
आज शाम कुछ मिल चाचा यहाँ प्रोग्राम आ जियो। प्रोग्राम प्रोग्राम कैसा भैया? अरे सारी यही बुझ जाएगा वही बता दूंगा आ जाइए। बस सारा इंतजाम हो गया, लोग आने बाकी रह गए। और भाई क्या हाल है? अरे आज तो अमन नहीं बैठ प्रोग्राम शुरू होने वाला। कोई शंकर कोई राम ने पूछे कोई भगत हनुमान का, कोई शंकर कोई राम ने पूछे कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सू कांसी राम का, मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सू कांसी राम का। खातर कोई लक्ष्मी पूछे मन खातर काली माता, विद्या के लिए पूजे सरस्वती फिर भी कुछ ना यो आता, विद्या के लिए पूजे सरस्वती फिर भी कुछ ना यो आता। कोई गीता हेरे हेरे रे, कोई गीता हेरे हेरे रे, कोई गीता रामायण पूजे मैं आशक हूँ संविधान का, मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सू कांसी राम का, मैं बाबा साहब का फैन सू और फैन सू कांसी राम। क्या इतनी बुरी हाल लगती है? पहुंच जाओ लो चाचा जी, सारा इंतजाम हो गया, बस लोग आने बाकी।